गांव मेरा सिरसावा है, लिंबा राम मेरा नाम है, सिरसावा पंचायत है। हम कमल से नाराजी है, पर हम देव जी को वोट देना नहीं चाहते, नहीं हाथ को देना चाहते। हम वोट कमल को देना चाहते हैं, पर देव जी को वोट हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। देव जी से नाराज है? हाँ, देव जी को नाराज है। देव जी 15 साल रहा, यूँ एक तहसील के अंदर ही एक का खंडा ही नहीं दिया, इसलिए हम देव जी से नाराज है। देव जी को हम वोट नहीं देने चाहते। हम कमल से नाराज नहीं है, कमल के साथ है, पर देव जी को हम वोट नहीं देंगे। हम खड़ा पास पास पंचायत तहसील से कटेगे नहीं तो ही देव जी का पता साफ कर देंगे। देव जी ने बोला पास पंचायत वोट नहीं देंगे, मेरे वोटों की कोई पड़ी नहीं है, तो इसलिए हमारा पब्लिक ने देव जी किसी का काम नहीं किया। हम वोट तो जिया राम को देगा। हम बीजेपी से नाराज नहीं है, हम देव जी से नाराज है। देव जी से हमारा काम नहीं किया, 15 साल से MP है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कभी भी नहीं आया, तो हम देव जी को क्यों वोट देंगे? क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। हम तो जीवाराम को वोट देंगे, हमारा काम करता है, काम के लिए हम वोट देंगे, और कोई बात नहीं है। भारत माता जिंदाबाद, जीवाराम जिंदाबाद। सुखराम जी तो है, लेकिन हमारे लिए बहुत बढ़िया है जीवाराम। हमारा क्षेत्र है, हमारा किसान का नेता है, इसलिए जीवाराम बढ़िया है। ऐसा मामला है कि देव जी भाई का खुद का खेत था, वो बचाने के लिए दूसरे किसानों का जबरदस्त नुकसान करवा के उनका खेत बचाया। दूसरों की जमीन ज्यादा गई है, इनका खेत बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया। भारत माला का आप उसके गांव के ही हो? नहीं, मैं उनके बाजू के गांव का हूँ। अच्छा, तो खेत गया? नहीं, हमारा नहीं गया, हमारे पड़ोसी का गया है खेत। कितने लोग हैं जिनके खेत उनके खेत की वजह से गए? इनका ये लंबी गोलवाई दी है, इसके हिसाब से 50-60 खेत गए होंगे। 50-60 आदमी का उनका जमीन हीन हो गए, वो उनका भवन बनाया वो सब गया, सिर्फ अपना ये खेत बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया। मेरा नाम सौगाराम चौधरी पालड़ी जी। हाँ, जो भारत माला का पहले नक्शा आया था ना, उनका जो वो खुलवाएंगे तो सब पता चल जाएगा। इन्होंने वापिस नया नक्शा करवा के ये सब करवाया है। इसका खेत, इनका खेत बचाने के लिए सब किया है। इनका खेत अकेले के बचाने के लिए 50 कोल रुलाया इन्होंने। ये थाना सही कोई सुनता भी नहीं है इनका, सब खेड़ी तो को रुला दिया। खेड़ी तो को रुला दिया। ये यहाँ पे 15 साल से फील्ड में है, कभी नहीं आए यहाँ पे, एक दिन भी नहीं आए यहाँ पे, लोग पहचानते तक नहीं है। थाना सही है, कोई जाते हैं तो तू थड़ाक से बात करते, पिता बुजुर्ग को भी तू थड़ाक से बात करते। यहाँ पे इनका माहौल खराब है, कोई गांव में आने नहीं देता। यहाँ पे 200 गांव है, एक जगह भी इनका कोई कार्यकर्ता या बूथ पे कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसका ज्यादा वोट नहीं आएगा, 5000 वोट आएगा। हाँ, सब घमंड उतर जाएगा।